नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आईजीआर बर्लिन को, और आईजीआर बर्लिन के टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से नेगेटिव लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी से सुपीरियर माना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आईजीआर बर्लिन को एक उदारवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सर, आईजीआर बर्लिन का जन्म 1909 में रशिया में हुआ और 1997 के अंदर इंग्लैंड के अंदर इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड किस टाइप का रहा होगा। 1909 में इनका जन्म होता है और 1909 के लगभग 4 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। हालांकि 4 साल के उम्र के बच्चे को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव तो सिचुएशन का पड़ ही जाता है। जब ये 9 साल के थे तो 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद रशिया में एक दल की प्रभुसत्ता, कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत होती है। वहां पर भयंकर तबाही की जाती है स्टालिन के द्वारा, तो उसका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही पूरे विश्व को पता है उसके बारे में, तो उसका भी इनके आइडियाज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है और शीत युद्ध खत्म भी हो जाता है। ये सारा का सारा ये अपने टाइम पीरियड में ऑब्जर्व कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इनके मेन इंटरेस्ट क्या रहे, किस किस फील्ड में इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर मतलब अध्ययन किया, ये इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड रही। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर अध्ययन किया, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के अंदर भी इनका इंटरेस्ट है, रशियन हिस्ट्री, और सबसे लास्ट में रोमेंटिसिज्म के अंदर इनका इंटरेस्ट रहा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए, सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, जो कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता भी बोला जाता है, और बाद में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता से ज्यादा बेटर माना, जिसको कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनलाइटमेंट के अंदर भी इन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है, और सबसे लास्ट में वैल्यू प्लूरलिज्म के अंदर इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इनके ऊपर प्रभाव किन किन व्यक्तियों का रहा। इनके ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों का प्रभाव रहा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव इन पर देखा जा सकता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के बाद नीत्शे, और उसके बाद जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, बर्लिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने जो भी अपने लेक्चर्स दिए या फिर कहीं पे भी इन्होंने कन्वर्सेशन की, उसकी रिकॉर्डेड टेप से ही इनके आइडियाज को निकाला गया है। इन्होंने मतलब ज्यादा लिखा नहीं है। तो इनका जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इन्होंने एक बुक लिखी है इस पे, एसेज ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, या दो तरह की स्वतंत्रता की बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, इनकी जितने भी आइडियाज है वो रिकॉर्डेड टेप से या इनके लेक्चर से निकाले गए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 4 किताबें लिखी है, इनकी 4 रचनाएं हैं। उनको कई बार क्रम में लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने 1939 में एक किताब लिखी, कार्ल मार्क्स एंड हिज लाइफ 1939 के अंदर। उसके बाद 1958 के अंदर इन्होंने दूसरी अपनी किताब लिखी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी,
उसके 11 साल बाद 1969 के अंदर इन्होंने 4 एसेज ऑन लिबर्टी लिखी और सबसे लास्ट में इन्होंने लिखी वीको एंड हर्डर 1976 के अंदर। ये चार ही इनकी फेमस राइटिंग है, बाकी छोटे मोटे इन्होंने आर्टिकल वगैरह भी लिखे हैं। अब समझते हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को। सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि हमारे ऊपर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध लगने चाहिए या फिर हम आत्मसंयम के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का निर्वाह करें। आत्मसंयम मतलब अपने अंदर, हमारे अंदर मतलब जो रैशनैलिटी है, जो हमारी तर्कसंगतता है, उसका हम प्रयोग करके अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध का मतलब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्धारण हम स्वयं करें। और जो हमारे कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा पहुंचाते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उस तरीके के काम हम ना करें, वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी राज्य हमारे ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है ताकि हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाए। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। प्रतिबंध कैसे हैं? सकारात्मक, पॉजिटिव, जो हमें तो विकास करने दे, हमें अपना तो विकास करने दे, लेकिन दूसरों के विकास में वो बाधक सिद्ध ना हो। यह है सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? नेगेटिव लिबर्टी, बिल्कुल नेगेटिव लिबर्टी, मतलब आपको पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य नहीं लगा सकता है, वो है नेगेटिव लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे मस्ती करनी है, हॉस्टल के अंदर मुझे मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, मुझे पूरी तरीके से खुला छोड़ दो, मैं रात को 2 बजे चिल्लाऊं, 4 बजे चिल्लाऊं, लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। यह है नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है? इसमें आपके ऊपर राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है नेगेटिव लिबर्टी में, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में लगा सकता है। अब समझते हैं आईजीआ बर्लिन के नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को, कि किस लिबर्टी को वो बेटर मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी की जो थ्योरी है, वो सारे सामाजिक मूल्यों, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको पॉजिटिव लिबर्टी से गौण मानता है। गौण मतलब कम मानता है, उसके मुकाबले उसको कम मानता है, जिससे कि एकलवाद का जन्म होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये क्या बोल रहे हैं कि सारे सामाजिक मूल्यों, जितने भी हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको ये पॉजिटिव लिबर्टी से गौण मानता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है पॉजिटिव लिबर्टी के सामने। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सामाजिक मूल्य क्या है? मेरा धर्म। मेरा धर्म मेरा क्या है? सामाजिक मूल्य है, हमारी वैल्यूज है। तो धर्म, मेरे धर्म में क्या लिखा है कि मुझे सुबह 4 बजे उठकर पूजा आरती करनी है, ठीक है? और मेरा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है इसको, इससे रिलेटेड, मंदिर। अब देखो, अगर मैं मंदिर में जाके जोर जोर से आरती कर रहा हूं, आरती से क्या हो रहा है कि आसपास वाले लोगों की नींद खराब हो रही है, हालांकि मुझे लिबर्टी है, मेरे धर्म के अंदर लिखा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया कि आप जोर जोर से आरती नहीं बजा सकते, इससे क्या हो रहा है, लोगों की नींद खराब हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो धर्म था, मेरे जो वैल्यूज थी, उसके ऊपर किसका प्रभाव हो गया है यहाँ पे? पॉजिटिव लिबर्टी का, क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोगों को क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो इससे क्या हुआ, स्टेट का दबदबा हमारे ऊपर स्थापित हो गया, यानी कि एकलवाद, एक ही शक्ति का हमारे ऊपर दबदबा हो गया, वो क्या है, स्टेट। देखिए, दूसरा तर्क बर्लिन क्या देते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ। बर्लिन क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी सर्वाधिकारवाद,
टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ावा देती है। टोटलिटेरियनिज्म को कैसे बढ़ावा देती है कि राज्य बोलेगा आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर आपने ये किया तो आपको सजा मिलेगी, आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सीमित कर देती है और एकमात्र शक्ति पैदा हो जाती है राज्य। राज्य ये आदेश देगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा। तो उससे क्या होता है, सर्वाधिकारवाद का जन्म हो जाता है आइजिया बर्लिन के अनुसार। दूसरी बात इसके अंदर वो क्या करते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के अंदर से आती है, वो व्यक्ति की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। वो कैसे, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि हमें वो काम करने हैं जो दूसरे व्यक्तियों को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पैदा ना करे। अब फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की क्षमता इतनी ही है, सोचने की क्षमता इतनी ही है कि मुझे अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का पेट भरना है और अपने लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो उसमें उस व्यक्ति की का क्या दोष है कि वो दूसरे व्यक्तियों को बाधा पहुंचा देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति किसी कुएं में जाता है एक गिलास पानी पीने के लिए और उस व्यक्ति की इतनी ही समझ है कि उसे वहां से एक गिलास पानी लेना है और उसको पीना है। वो जूते पहन के उसमें चला जाता है और पूरा पानी गंदा कर देता है, जिससे कि जो दूसरे आसपास के व्यक्ति हैं उनको नुकसान होता है। अब देखो, व्यक्ति का तो कोई दोष नहीं है, उसकी सोचने की क्षमता ही इतनी थी कि मुझे पानी पीना है, उसे इतना पता नहीं था कि उसके जूतों से वो पानी पूरा गंदा हो सकता है और उसके बाद उसको कोई पी नहीं सकता है। तो उसके बदले में व्यक्ति को क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। तो किस हद तक ये सजा दी जानी चाहिए थी उसको, क्योंकि उसका दोष तो नहीं था, वो जानबूझ के तो नहीं गया था, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी क्या करेगी, उसको सजा देगी। ये बात करते हैं आइजिया बर्लिन। आई होप आपको नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब पता लग गया होगा। लेकिन जो नकारात्मक स्वतंत्रता की, जिस नकारात्मक स्वतंत्रता की बात आइजिया बर्लिन कर रहे थे, वो इकोनॉमिक स्फीयर की बात कर रहे थे कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति जितना कमा सकता है उसको उतना कमाने दो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए। अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया, उससे प्रोडक्शन में कमी आएगी। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति गरुड़ की तरह उड़ नहीं सकता है, व्हेल मछली की तरह नदी में तैर नहीं सकता है, तो ये उस व्यक्ति की कमी है, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। वो इस बात के लिए राजनीति को दोषी ना ठहराए कि राजनीति की वजह से मैं पीछे रहा हूं। इसी तरह वो इसको इकोनॉमिक स्फीयर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूंजीपति नहीं बन सकता है, कोई अंबानी की तरह पैसे नहीं कमा सकता है, कोई अडानी की तरह पैसे नहीं कमा सकता है, तो इसके लिए वो राजनीति को दोषी ना ठहराए भाई, क्योंकि वो उसकी कमी है, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, उसके अंदर वो मानसिक क्षमता ही नहीं है कि वो उस लेवल पे पहुंच पाए। इसलिए वो बोलता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिक स्फीयर में अपनी क्षमता के अनुसार कमाए। राज्य उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाए कि भाई तू तो 1 करोड़ कमा रहा है, तुझ पर तो कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस तरीके की बात को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। किस प्रकार उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर नेगेटिव लिबर्टी को सुपीरियर माना है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे बर्लिन क्या बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी को सुपीरियर सिद्ध करने के लिए, कि नकारात्मक स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो सकारात्मक स्वतंत्रता के विपरीत बहुलवाद को जन्म देता है, प्लूरलिज्म को वो जन्म देता है। अब प्लूरलिज्म को जन्म कैसे देता है, अब एकलवाद को जन्म कैसे दिया था, कि सिर्फ एक ही अथॉरिटी होगी, वो है राज्य। राज्य जो बोलेगा वही व्यक्तियों को करना पड़ेगा, राज्य व्यक्ति राज्य के बाहर नहीं जा सकते, उसके आदेशों के बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्लूरलिज्म नेगेटिव लिबर्टी कैसे लाती है, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक मार्ग से
यानी कि एक रास्ते के द्वारा पैसा कमाना चाहता है दूसरा व्यक्ति, दूसरे रास्ते से कमाना चाहता है तीसरा व्यक्ति, तीसरे रास्ते से जो व्यक्ति जिस साधन को बेहतर मानता है उस रास्ते से पैसा कमाना चाहता है। तो अलग अलग रास्ते यानी प्लूरलिस्ट वे यहाँ पे पैसों कमाने का, पैसे कमाने का आ जाता है। लेकिन एकलवाद में क्या होता था, जो राज्य ने बोला, जो राज्य ने रास्ता डिसाइड किया है उसी रास्ते से पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी क्या है, अनेक रास्ते खोल रही है, प्लूरलिज्म का रास्ता खोल रही है व्यक्तियों के विकास का। नेगेटिव लिबर्टी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कोटेशन दी है, वो कोटेशन है स्वतंत्रता स्वतंत्रता है, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता है वह समानता न्याय संस्कृति या मानवीय सुख का पर्याय नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो साथ में ये भी बोलते हैं कि स्वतंत्रता के प्रयोग क्षेत्र को अन्य मूल्यों, जो स्वतंत्रता का प्रयोग क्षेत्र है दूसरी वैल्यूज जैसे कि समानता न्याय संस्कृति उपयोगिता की मांगों के अनुसार इसको या तो विस्तृत किया जा सकता है, इसका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। साथ ही नकारात्मक स्वतंत्रता को सिद्ध करते हुए वो बोलते हैं मानव जीवन के भाग को सामाजिक नियंत्रण से अवश्य ही स्वतंत्र रहना चाहिए, यानी कि सामाजिक नियंत्रण उसके ऊपर कम से कम होना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण का मतलब है जैसे कि समाज क्या है, समाज के अंदर एक धर्म है कि धर्म व्यक्ति को कंट्रोल ना करे, कि धर्म बोलता है कि शूद्र व्यापार नहीं कर सकता है, धर्म बोलता है कि क्षत्रिय व्यापार नहीं कर सकता है, बस वैश्य ही व्यापार कर सकता है। इस प्रकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। और सबसे लास्ट इन्होंने बात की कि सत्ता को कुछ दूरी पे रखा जाना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता से, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सत्ता को एक दूरी पर रखने के लिए एक विभाजन रेखा खींची जानी चाहिए, यानी कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप व्यक्तियों के अधिकारों में करना चाहिए। दोस्तों बर्लिन एक बात और बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के खिलाफ, ये बोलते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी के कारण पैट्रियार्कल अथॉरिटी स्थापित हो जाती है, पितृ सत्तात्मक समाज की स्थापना होती है। वो कैसे, वो बोलते हैं कि हमारा जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, जो पिता बोलेगा वही बच्चे करेंगे, वही माँ करेगी वही पत्नी करेगी, बेटा पिता की आज्ञा के खिलाफ जा ही नहीं सकता है, पत्नी पिता जो पति है पति की आज्ञा के खिलाफ जा ही नहीं सकती है, अगर वो उसके खिलाफ गई तो उसको दंड मिलेगा। तो इससे क्या होता है, पितृ सत्तात्मक समाज की स्थापना हो जाती है, व्यक्ति राज्य से ऊपर जा ही नहीं सकता है, राज्य में जो पैटर्न बना है पितृ सत्तात्मक समाज का उसको तोड़ ही नहीं सकता है क्योंकि वो उसकी आज्ञा के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता है। और सबसे लास्ट में ये बोलते हैं कि जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं। इसीलिए ये बोलते हैं कि राज्य को व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए। अब राज्य व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता में वृद्धि कैसे करेगा, कम से कम हस्तक्षेप करके उसे स्वतंत्र छोड़ के। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि मैं लाने वाला हूं माइकल ऑक्सफोर्ड के ऊपर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।